नमस्कार, हूँ आदर्श छु। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। क्लास थ्री, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 13, स्मार्ट चार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल पे आ रहे हैं। मुझे पता है आप सब वेट कर रहे हैं अब स्कूल पे आने का, कितने टाइम से घर पे है, स्कूल आना है। ठीक है, तो आज हमें ये जो चैप्टर है स्मार्ट चार्ट, उसमें यही कॉन्सेप्ट सीखना है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट, लेट्स रिवाइज द कॉन्सेप्ट विच वी लर्न इन अवर प्रीवियस वीडियो। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक। ऑन पेज नंबर 185 वी कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ लॉन्ग इज योर हैंड। आपके हैंड कितने लंबे हैं ये फाइंड करना था। पहले मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का हैंड फाइंड करो। फिर मैंने कहा था कि आप ऐसे, ये बच्चे जो कर रहे हैं पिक्चर में वैसे हैंड स्पान जो है वो ऐसे यहाँ पे कर सकते हो मेजर। ठीक है, ये सब मैंने आपको सिखाया था। फिर आपके आपको एक बार ग्राफ बना के दिया था। बार ग्राफ के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, थ्री बार्स थे। बार ग्राफ है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, बार ग्राफ के 2-3 रूल्स जो थे वो बताए थे। स्पेस के बारे में, विड्थ के बारे में, ये सब मैंने आपको बताया था। फिर जो बार ग्राफ आपको दिया था उसके बेस्ट पर क्वेश्चन आंसर थे वो सॉल्व किए थे, ब्लैंक्स दी थी वो। देन नेक्स्ट हमने यहाँ पे हमारा चार्ट बनाने के लिए कहा था, आपके फ्रेंड का चार्ट, आपके इन्फॉर्मेशन का बनाने के लिए बोला था। आई होप आप सब ने फिलअप कर लिया है। नाउ हियर न्यू कॉन्सेप्ट, चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल आएंगे, कैसे आएंगे? बस से आएंगे, रिक्शा से आएंगे, वॉकिंग करके आएंगे, राइट? कोई कोई ऐसे होते हैं जो बाय कार भी आते हैं, राइट? तो यहाँ पे बस हमें यही इसका ही स्मार्ट चार्ट बनाना है। सो हियर लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन, पेज नंबर 187। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। अब यहाँ पे बोल रहे हैं पिक्चर को देखो और टेबल फिलअप करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल में हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बतानी है वो देखते हैं। तो फर्स्ट वन में वे ऑफ कमिंग, कैसे बच्चे स्कूल पे आ रहे हैं। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पिक्चर में देखें तो स्कूल जो है वो बीच में है, ठीक है, और यहाँ से ये जो सारे व्हीकल्स आ रहे हैं इसमें बच्चे सब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि साइकिल जो है वो यूज हो रही है, साइकिल से बच्चे आ रहे हैं, कोई कोई ट्रैक्टर में आ रहे हैं, वॉकिंग करके यहाँ पे आ रहे हैं, बाय कार आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो ट्रांसपोर्ट के मोड है, मीन्स के चिल्ड्रन जो है वो कौन से वे में स्कूल में आ रहे हैं। तो ट्रैक्टर से, बस से, वॉकिंग करके, कार में आ रहे हैं, तो वो ही हमें यहाँ पे टेबल में फिल अप करना है। तो फर्स्ट वन दिया है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर में आपको यहाँ पे राइट करके दिया है 3 स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, 3 स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे ट्रैक्टर में आ रहे हैं। देन नेक्स्ट सेकेंड वन मैंने यहाँ पे राइट किया है बाइसिकल। साइकिल पे कितने स्टूडेंट आ रहे हैं चेक करते हैं। तो बाइसिकल पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 स्टूडेंट जो है वो बाइसिकल पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे राइट कर रहा है 5 स्टूडेंट और वे ऑफ कमिंग बाइसिकल। देन नेक्स्ट वॉकिंग करके, चल के कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो चल के यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे है 9 और 10 और 11, 11 स्टूडेंट्स जो है वो चल के आ रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे आंसर होगा 11। देन नेक्स्ट बाय कार कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो कार में तो 2 स्टूडेंट्स ही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे राइट करेंगे 2।
यहाँ पे आपको पिक्चर देखना पड़ेगा आपके टेक्स्ट बुक में भी, और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा मेरे साथ में कि पिक्चर में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से व्हीकल्स है, कितने स्टूडेंट्स है, राइट, वो आप मेरे साथ में ही काउंटिंग करते जाएंगे। देन नेक्स्ट रिक्शा, तो रिक्शा कहाँ पे है? यस, यहाँ पे है। रिक्शा में कितने स्टूडेंट है? 1, 2, 3 and 4। सो योर आंसर 4। तो ये जो टेबल था वो हमने फिल अप कर लिया कि कैसे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स कितने कौन से वे में आ रहे हैं, वो हमने डेटा फिल अप किया पिक्चर को देख के। नाउ नेक्स्ट हियर, 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय अ ट्रैक्टर। तो यहाँ पे लिखा है, ये आपको फिल अप करके ही दिया है। देन नेक्स्ट हियर वी राइट 3 इन द टेबल। वी ऑल्सो ड्रॉ 3 फेसेस ऑन टॉप ऑफ अ ट्रैक्टर इन द चार्ट। ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट टू शो हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय बस, बाइसिकल, ईटीसी एक्सेट्रा। मीन्स क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे हमें स्मार्ट चार्ट बनाना है, स्माइली वाला चार्ट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, क्लास वाइज आपको यहाँ पे डेटा दिया था, राइट, वैसे हम स्माइलीज बना रहे थे और जितने जितने थे वैसे ही यहाँ पे स्माइली वाला स्मार्ट चार्ट बनाना है। कैसे बनाना है? तो बोल रहे हैं कि देखो, 3 स्टूडेंट्स ट्रैक्टर से आ रहे थे, यहाँ पे 3 स्माइली ड्रॉ किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन राइट की हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। देन यहाँ पे जो ये है वो वे ऑफ कमिंग, ठीक है, कौन से वे में बच्चे जो है वो आ रहे हैं, वे ऑफ कमिंग। देन अब यहाँ पे बोले ट्रैक्टर में 3 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स ड्रॉ किए। देन नेक्स्ट ईयर क्या बोल रहे हैं कि बस, तो बस में देख तो सकते हैं ये पिक्चर में कि बस से कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे मेरे साथ में आप भी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और काउंटिंग करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाट वी डू हियर वी यूज 9 स्माइल्स, ड्राइंग करेंगे 9 स्माइल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो हियर अब ये स्मार्ट चार्ट देख के भी पता चल सकता है कि बस से 9 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हियर बाइसिकल, बाइसिकल से 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू ड्रॉ 5 स्माइलीज, 1, 2, 3, 4 and 5। देन नेक्स्ट हियर रिक्शा, रिक्शा से 4 स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई हियर ड्रॉ 4 स्माइलीज, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट वन ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स के पैदल चलते आ रहे हैं, वॉकिंग करके, सिंगल वर्ड है वॉकिंग है ऑन फुट। स्मार्ट चार्ट है वो कंप्लीट कर लिया कि हम बस से, स्टूडेंट ट्रैक्टर से, बाइसिकल, रिक्शा एंड ऑन फुट। नाउ हियर अब यहाँ पे क्या करना है, हियर ऑन पेज नंबर 188 दे गिव अस ब्लैंक्स, वी हैव टू रीड दिस ब्लैंक एंड गिव द आंसर। फर्स्ट वन फिल द ब्लैंक्स ए, मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय प्लेन। तो अब यहाँ पे पूछ रहे कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं स्कूल कौन से वे में आ रहे हैं, तो बाय बस और बाय फुट मीन्स के वॉकिंग। ओके, तो बस में तो कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, बस में यहाँ पे हमने काउंटिंग की है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट है, लेकिन उससे कम, उसकी कंपेरिजन में
वॉकिंग स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम बाय बस की जगह पर यहाँ पे रहकर बाय फुट वॉकिंग। देन नेक्स्ट सेकेंड वन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज ब्लैंक देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाइसिकल। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल, चल के आ रहे हैं वो देखने हैं, तो चल के 11 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। ब्लैंक देन मोर देन कमिंग टू बाइसिकल, अब यहाँ पे बाइसिकल, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो बाइसिकल से वॉकिंग स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं, राइट। कंपेरिजन करें तो वॉकिंग स्टूडेंट ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बाइसिकल से। सो हियर आंसर द लिस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय ट्रेन, सबसे कम वे में आ रहे हो ट्रैक्टर, और यहाँ पे राइड कर सकते हैं ट्रैक्टर और व्हील चेयर और हॉर्स भी राइड कर सकते हैं। स्मार्ट चेयर देख के राइड करें तो आंसर होगा ट्रैक्टर। अगर हम यहाँ पे पिक्चर देख के राइड करेंगे तो हॉर्स एंड व्हील चेयर आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं पिक्चर में हॉर्स, हॉर्स से एक ही स्टूडेंट आ रहा है, यहाँ पे साइड में कॉर्नर में है, और यहाँ पे दिया है व्हील चेयर, तो व्हील चेयर में ये एक ही बच्ची आ रही है। ओके, तो वन वन स्टूडेंट जो है वो हॉर्स और व्हील चेयर में आ रहे हैं, तो पिक्चर देख के आंसर राइट करेंगे तो हॉर्स एंड व्हील चेयर, और स्मार्ट चेयर देख के यहाँ पे राइट करें तो यहाँ पे आंसर होगा ट्रैक्टर। आई होप सबको ये जो क्वेश्चन आंसर थे ब्लैंक्स थे वो समझ में आ गई है। नाउ हियर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सो इजंट दिस अ स्मार्ट चार्ट, बाय सिंपली लुकिंग एट वी कैन नो सो मच, लेट अस मेक मोर सच चार्ट। अब ये स्मार्ट चार्ट में मजा आया, कितने अच्छे वे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि क्यों ना हम हमारे चार्ट बनाए, स्मार्ट चार्ट बना सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, किसी के भी हम स्मार्ट चार्ट बना सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन के। नाउ नेक्स्ट ईयर प्रैक्टिस टाइम, मेक योर ऑन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग्स अराउंड यू। अब बोल रहे हैं कि आपके अपने चार्ट बनाए, स्मार्ट चार्ट बनाइए। तो कैसे स्मार्ट चार्ट आप बना सकते हैं, आपके आसपास की चीज जो हो उनके, लाइक यहाँ पे बोला है विच बर्ड हैज द मोस्ट कलर्स, के सबसे मीन्स के बर्ड्स जो है उसके कलर देखने, सबसे ज्यादा कलर्स वाले बर्ड्स उनका भी चार्ट बना सकते हैं। फिर विच इज द एनिमल विच इज लाइक मोस्ट एज पेट, तो यहाँ पे एनिमल्स के बारे में भी चार्ट बना सकते हो, पेट एनिमल के कौन कौन से एनिमल यूज कर सकते हो, सबसे ज्यादा एनिमल कौन से पसंद आ रहे हैं, कलर्स के बारे में, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सब भी, फार्मिंग एनिमल्स जो होते हैं वो और आपके घर के आसपास रहते हो वो, राइट। वैसे करके आप स्मार्ट चार्ट जो है वो बना सकते हो। आपको वन स्मार्ट चार्ट कोई भी बनाना है आपके आसपास के एरिया में, जहाँ पे आप रहते हो, कहीं पे फैमिली में हो, राइट, तो एक स्मार्ट चार्ट आपको अपनी फर्म में बनाना है अपने आसपास के एनवायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो आपका ये आज का होमवर्क है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक विच वी लर्न टूडे, चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल, पिक्चर देख के टेबल बनाना, और यहाँ पे स्मार्ट चार्ट बनाना, और क्वेश्चन के आंसर ब्लैंक्स को सॉल्व की। नाउ हियर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो विच योर टॉपिक। फॉर ज्वाइनिंग अस।